मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, दिस इज योर चैप्टर नंबर 15, स्प्रेडिंग नॉलेज, कि किस तरीके से हम लोग नॉलेज को स्प्रेड करते हैं इन द सोसाइटी। ठीक है, कैसे हमें चीज़ें पता चलती हैं, कैसे हमें हमारे पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। ठीक है, बहुत सालों पहले मतलब जो आपकी राइटिंग थी, स्क्रिप्ट जो थी, लिखने की कला जो थी, वो पता ही नहीं थी किसी की। नॉलेज जो थी वो दी जाती थी ओरली, जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करी जाती थी ओरली। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं होता था, कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखा जाता था। ठीक है, और इस नॉलेज की वजह से बहुत कम लोगों तक चीज़ें पहुंच पाती थी। ठीक है, और जिस कभी कभी क्या होता था कि याद रह गया, वो चीज़ें बता दी जो मेमोरी से निकल गई, वो दूसरी जनरेशन तक नहीं पहुंची। ठीक है, स्लोली कुछ बेटर मेथड्स आए रिकॉर्ड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, शुरुआत में जो पीपल थे वो पिक्चर बना लेते थे, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए पिक्चर से बताते थे, और अपने एनिमल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए पिक्चर मेनली होती थी एनिमल की, और जो कि अर्ली ह्यूमन भी जो केव्स में रहता था उस पर हमको बनी हुई मिली हैं। लेकिन पिक्चर बनाना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता था, धीरे धीरे पिक्चर जो है वो रिप्लेस करेंगी साइन और सिंबल से, फिर सिंबल्स और साइन बनाए जाने लगे। ठीक है, द सुमेरियंस जो हैं मेसोपोटामिया के, जो कि अब इराक में है, वो पहले लोग थे जिन्होंने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ राइटिंग को, और इसको कहा गया स्क्रिप्ट यानी लिपि, जिसमें साइन थे लगभग 5000 साल पहले। उन्होंने लिखा अपने साइन को जो लकड़ी की, जो मिट्टी की तख्तियां होती थी उन पर लिखा, क्ले के ब्लॉक्स बनाकर, जिन्हें टैबलेट्स कहा गया, और इनमें से बहुत सारी जो टैबलेट्स थी उनको डिस्कवर किया गया है, उनको हम लोगों ने खोजा है। इजिप्टियन जो थे उन्होंने भी अपनी एक स्क्रिप्ट डेवलप करी थी और इस पर पिक्चर्स और सिंबल्स बने थे। चाइनीज और जापानीज जो स्क्रिप्ट है वो भी पिक्चर और सिंबल पर बेस्ड है अभी भी, और हमारे एज में ज़्यादातर लैंग्वेज जो है यूज़ करती है सिस्टम ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं है बट सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग साउंड को जो कि ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट प्रॉपर अल्फ़ाबेट सिस्टम जो था वो यूज़ किया गया था आपका, प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि वो सीरिया में डेवलप किया गया था नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो। 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम जो हैं वो आज के टाइम में पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। रोमन अल्फ़ाबेट जो है जो यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए, इसमें 26 लेटर्स हैं जो हम लोग लिखते हैं ना ABCD, वही। बहुत सारी सील्स, सील का मतलब होती है जो मोहरें, स्टैम्प्स जो होती हैं, ठीक है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट थी अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, इसीलिए इसे इंडिया की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है, और कोई भी इसको पढ़ने के लिए एबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाता इसको। उसके बाद ब्राह्मी और दूसरी स्क्रिप्ट जो है उनको डिस्कवर किया गया, और ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो थी वो इंडियन लैंग्वेज को लिखने के लिए आज यूज़ करी जाती हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डराइव करी गई हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करी गई है हिंदी और संस्कृत को लिखने के लिए और दूसरी इंडियन लैंग्वेज को लिखने के लिए। अब बात आती है राइटिंग नंबर्स को, नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। शुरुआत में इन द बिगनिंग द अर्ली ह्यूमन बींग यूज़ करता था पेबल्स, पत्थर को, स्टिक को, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, अपने आर्टिकल्स का या एनिमल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। बाद में उन्होंने सिंबल्स बनाना शुरू कर दिया, पिक्चर्स बनाना शुरू कर दिया अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए। जैसे एनिमल्स का रिकॉर्ड रखना है कि उनके पास कितने एनिमल हैं। रोमन जो थे उन्होंने डेवलप किया था राइटिंग सिस्टम को, ठीक है, और इसमें सिंबल्स जो थे वो यूज़ किए जाते, राइट द नंबर फ्रॉम 1 to आपका 10 लाख तक।
कॉमन सिस्टम जो था राइटिंग नंबर्स का, वो ज़्यादातर वर्ल्ड में आज जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम है। ये सिस्टम डेवलप किया गया था इंडिया में मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल से भी पहले। तो जो अरब थे वो इसको यूरोप लेकर गए। जो ब्यूटी है इस सिस्टम की, ओनली 10 सिंबल्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कितना भी बड़ा नंबर हो वो आपका 0 से 9 में ही इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पेपर। पेपर जो था पहली बार इजिप्ट में बनाया गया था लगभग 4000 साल पहले। एंशियंट इजिप्ट जो थे, पीपल थे, उन्होंने यूज़ किया था स्टेम को प्लांट के, जिस पपायरस प्लांट का जो स्टेम था, तना था, उसको पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और जो पेपर का नाम है वो पपायरस आपका ट्री है, उसी से लिया गया है, ठीक है। ट्रू पेपर जो जिसे हम आज के टाइम में देखते हैं वो आपका चाइनीज लोगों ने बनाया था 1900 ईयर्स एगो, ठीक है। प्रोबेबली ये शायद छाल से बनाया गया होगा ट्री की। और बार्क जो था वो बनाया जाता था, उसको पल्प में चेंज किया और उसको थिन शीट पर स्प्रेड कर दिया जाता था, फिर उसे सुखाया जाता था, ठीक है। वुड पल्प जो है वो यूज़ किया जाता है पेपर को बनाने में। और पेपर जो है इन्वेंट हुआ प्रिंटिंग से पहले, अर्लियर जो पहले जो किताबें थी वो आपका हाथ से लिखी जाती थी पेपर के ऊपर। ये एक स्लो और टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा आपका थका देने वाला काम था। बुक्स वर देयरफॉर वेरी रेयर, इसी वजह से किताबें बहुत कम बन पाती थी और केवल कुछ ही लोगों के लिए वो अवेलेबल हो पाती थी, ठीक है। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।